रखे। आप लोगों आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। तरह के उसमें हम हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में। देखो आपका इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। चलिए नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न दिया जाता है भारत सरकार की ओर से, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। तो वही अब इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। काफी खुश नजर आ रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने बहुत पहले ही यह मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और आज हमारी ये लड़ाई पूरी हुई है और आज उन्हें भारत रत्न दिया गया है, इसकी हमें काफी खुशी है। जितने भी समाजवादी नेता हैं उन सभी लोगों में आज काफी खुशी है। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसका फायदा भाजपा को होगा, तो इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। करते रहे हैं भारत रत्न के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्फर्म कर दिया भारत रत्न के लिए। आप एक बात समझिए कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है वो समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं जितने समाजवादी नेता, तो ये आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। हम लोग तो कांशीराम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा होता साथ में कांशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। सर के पाठक और डीएम के बीच किस तरीके से चल रहा है? तरह तरह के आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। तरह तरह के उसमें हम हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में। देखो आपका इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। चलिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने बहुत पहले ही यह मांग की थी कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना चाहिए और ठीक आज 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न दिया गया, इससे हम लोगों में काफी खुशी है। और इसी के साथ साथ वो यह भी मांग करते हुए नजर आए कि काशीराम को भी भारत रत्न देना चाहिए। इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया कि इसका फायदा क्या भाजपा को होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना करवाई है उसको देखते हुए इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न दिया है। इसी के साथ के पाठक के सवाल पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके से पत्रकारों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।